तो पिछले वीडियो में हमने फंजाई की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फंजाई को डिवाइड किया गया है चार क्लासेस में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो सबसे पहले हमें इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस देखना है कि किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहले हम देखते हैं। तो इसमें तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, कि माइसीलियम कैसा है। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, उसमें स्पोर किस तरह बनता है। और फ्रूटिंग बॉडीज, तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है। तो मैंने इसको दोनों एक ही में लिख दिया है, इसको अलग अलग पॉइंट लिख दीजिएगा आप। एक मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और एक फ्रूटिंग बॉडीज, अलग अलग, ठीक। तो इन तीन के बेसिस पे हमने चार क्लासेस में डिवाइड किया है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम है उसमें माइसीलियम मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ में सेप्टा होते हैं तो उन्हें सेप्टेट कहते हैं, कुछ में सेप्टा नहीं होते उन्हें एसेप्टेट या सीनोसिटिक कहते हैं। तो सीनोसिटिक वाले जो होते हैं वो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। चार क्लासेस हैं, चार में से सिर्फ पहली क्लास जो है फाइकोमाइसिट, सिर्फ इसी में एसेप्टेट पाए जाएंगे। बाकी जो तीनों हैं, यानी एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज, इस सब में सेप्टेट पाए जाएंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा, ये इजी पड़ेगा आपको यहाँ से याद रखना, ठीक। दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर किस तरह बनता है और फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं। जैसे कि कुछ स्पोर एक्सोजेनसली बनते हैं, यानी बॉडी के बाहर बनते हैं। कुछ स्पोर एंडोजेनसली बनते हैं, यानी बॉडी के अंदर बनते हैं। जो एंडोजेनसली बनते हैं वो स्पोरेंजियम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें बनते हैं। अब आपको यहीं पे याद रखना है कि एक्सोजेनस जो होते हैं वो कोनिडिया और बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, और जो एंडोजेनस होते हैं वो जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक। इसके बेसिस पे हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया फंजाई को। अब इन चारों क्लासेस को हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला जो हमारे पास है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जगहों पर, डिकिंग वुड में आपको दिख सकते हैं, सड़ती हुई लकड़ी में दिख सकते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट मतलब नमी, डैम्प मतलब हल्के पानी वाली जगह, गीली जगह, तो वहाँ पे पाए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे। ऑब्लिगेट मतलब होता है कि ज़रूरी है, अगर आप प्लांट को इससे अलग कर देंगे फंजाई से तो फंजाई मर जाएगा। तो ऑब्लिगेट मतलब ज़रूरी है, वो वहीं रहेंगे, नहीं तो फिर नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे, कुछ ऐसे होते हैं। अब माइसीलियम अभी ऊपर हमने पढ़ा एसेप्टेट और सीनोसिटिक, एक अकेला ही यहाँ पे क्लास है जिसमें एसेप्टेट और सीनोसिटिक हैं, बाकी सारे क्लासेस में आपको सेप्टेट मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन देख लेते हैं हम इसमें कैसा होता है। जू स्पोर या एप्लेनोस्पोर से होता है। जू स्पोर से जो होता है वो मोटाइल होता है, ठीक। जो स्पोर जो होते हैं, पहले ही बताया जो जू वर्ड है, ZOO, इसका मतलब ही होता है मूविंग। तो जहाँ पे ये आ जाए वहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए मोटाइल होता है, यानी मूव कर सकता है। दूसरा है एप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर से होता है, ठीक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट का फ्यूज़न होगा, और गैमेट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि कितने तरह के गैमेट्स यहाँ पे एनसीईआरटी ने तीन तरह के दिए हैं। ये तीनों गैमेट के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो पहला गैमेट है हमारे पास वो है आइसोगैमस टाइप के। आइसोगैमस गैमेट होते हैं, जैसे आइसो मतलब होता है सेम, आइसोगैमस होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और मोटाइल होते हैं, यानी देखने में, शेप में, साइज में सब एक तरह के होंगे, एक ही साइज के होंगे, एक ही शेप के होंगे, ठीक। मॉर्फोलॉजिकली देखिए, जैसे मैंने दो गैमेट यहाँ बनाए हुए हैं, तो ये दोनों एक ही शेप के हैं और साइज के हैं, और दोनों में फ्लैजला ऊपर लगे हुए हैं दो दो, तो फ्लैजला है तो मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल है, तो ठीक। ये हो गया आइसोगैमस। अब देखते हैं एन आइसोगैमस में मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं गैमेट्स, मतलब अलग अलग, देखने में अलग अलग तरह होंगे, और या फिर दोनों मोटाइल होंगे या फिर दोनों मोटाइल नहीं होंगे, मे बी मोटाइल और नॉट। जैसे मैंने यहाँ पे दो बनाया हुआ है, एक छोटा है एक बड़ा है, हाँ, लेकिन दोनों मोटाइल है, दोनों फ्लैजला हैं, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये हो गया एनाइसोगैमस। तीसरा है हमारे पास ओगैमस। ओगैमस में क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है, जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, ठीक।
छोटा होगा लेकिन चल सकता है, मूवमेंट कर सकता है। जो फीमेल गैमेट होगा वो बड़ा होगा लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल। तो जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज और नॉन मोटाइल। तो मैंने यहाँ पे फिगर आपको दिया है, ये फिगर ध्यान रखिएगा। जो मेल गैमेट देखिए आपको छोटा है बना हुआ है, और जो फीमेल गैमेट है यहाँ पे ये बड़ा बना हुआ है। ये देखिए बड़ा है लेकिन ये चल नहीं सकता, इस पर फ्लैजला नहीं है। और जो मेल गैमेट है वो छोटा है लेकिन इस पर फ्लैजला है, ये चल सकता है, मूव कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइकोमाइसिटीज। अब इसके एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने दिए हैं, वही याद रखने हैं आपको, म्यूकर, एल्ब्यूगो और राइजोपस, तीन एग्जाम्पल। जो एल्ब्यूगो होता है वो मस्टर्ड रस्ट नाम की डिसीज कॉज करता है। ये चैप्टर के शुरुआत में भी मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में भी एनसीईआरटी ने ये चीज़ लिखी हुई है। और दूसरा जो होता है राइजोपस, वो ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड पे आप देखते हैं वाइट वाइट कलर का धागा टाइप का जम आता है, वो राइजोपस होता है। ठीक, और इसको याद करने के लिए आप राम भी याद कर सकते हैं, RAM, राम, यानी राइजोपस और एल्ब्यूगो और म्यूकर। ठीक, तो तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं बस। फिर अब हम अगली क्लास पे चलते हैं। तो अगली क्लास से हमारी एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है वो सैक फंजाई होता है। सैक मतलब थैला या बैग, जैसे आपकी पॉलिथीन होती है जिसमें आप सब्जियां लाते हैं, तो उसको सैक कहते हैं। कॉमन नेम है इसका सैक फंजाई, और याद रखना है एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, और एग्जाम्पल पेनिसिलियम बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। और कभी कभी ये यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत ही रेयरली। एग्जाम्पल है, इसका साइंटिफिक नेम सेक्रोमाइसिस यहाँ पे दिया गया है, ये याद रखना है। अब देख लेते हैं इनका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कुछ खास है नहीं, सब पुरानी बातें हैं। सेप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अगर आपको ये सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर या पैरासिटिक ये नहीं पता है, तो पुराना वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। और जो यहाँ पे नई बात है वो कॉप्रोफिलस है। कॉप्रोफिलस मतलब होते हैं ये गोबर पे ग्रो कर सकते हैं, ग्रो ऑन डंग, डंग मतलब गोबर, तो ये गोबर पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, तो आपको ये पता है ये सिर्फ फाइकोमाइसीट में ए सेप्टेट होता है, बाकी हर जगह ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन में जो ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो कोनिडिया होते हैं इसमें, और ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सोजेनस और एंडोजेनस तो आप उसी उससे याद कर सकते हैं, मैंने अभी शुरुआत में आपको दिखाई थी। तो कोनिडिया जो होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियो फोर। तो जिस माइसीलियम पे ये प्रोड्यूस होते हैं उनको कोनिडियो फोर कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर आप सेक्सुअल स्पोर पे आ जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो उनको एस्को स्पोर कहते हैं, और ये प्रोड्यूस्ड इन सैक लाइक एस्की, थैले टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है एस्की, उस पर प्रोड्यूस होते हैं ये। जैसे देखिए यहाँ पे खूब सारे मैंने एस्की दिखाए हैं, छोटे छोटे एस्की ये हैं, ये सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं एस्की। और जो एस्की होते हैं ये जिस फ्रूटिंग बॉडी पे होते हैं उनको एस्को कार्प कहते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रूटिंग बॉडी वो ऑर्गन होता है जो स्पोर प्रोड्यूस होता है, तो स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो जो एस्की होते हैं वो इसी फ्रूटिंग बॉडीज पे होते हैं जिसका नाम है एस्को कार्प। ठीक, तो याद रखिएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। पहला एग्जांपल है हमारे पास एस्परजिलस नाइजर। नाइजर होता है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसको याद रखिएगा। क्लेविसेप्स सेकंड एग्जांपल है। तीसरा है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज वाइडली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स वर्क। बायोकेमिकल और जेनेटिक्स की जो रिसर्च होती है लैब में, उनमें न्यूरोस्पोरा बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। और दो ऐसे हैं एस्कोमाइसिट में, दो फंजाई ऐसे दिए गए हैं जो कि एडिबल हैं यानी खाने योग्य हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एडिबल फंजाई बताइए एस्कोमाइसिट के, तो मॉरल्स और ट्रफल्स। ठीक, ये दोनों खाने योग्य हैं। तो बस आपको एस्कोमाइसिट में इतना ही पढ़ना था। अब आगे चलते हैं अपने थर्ड क्लास की ओर। हमारा अगला क्लास है बेसिडियोमाइसीट। तो बेसिडियोमाइसिटेज जो होते हैं उनको
उनके कुछ कॉमन फॉर्म्स याद रखने हैं आपको। मशरूम जैसे हो गया, इनको ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है या पफ बॉल भी कहा जाता है। ये इनके कॉमन फॉर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। अब ये ग्रो कहाँ करते हैं? ग्रो इन सॉयल, मिट्टी में पाए जा सकते हैं। ट्री स्टम्प, ट्री स्टम्प जैसे किसी पेड़ को आप काट दीजिए तो थोड़ा नीचे का हिस्सा जो बच जाता है उसको ट्री स्टम्प कहते हैं। तो ट्री स्टम्प पे भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। अगर ये पैरासाइट होंगे तो ये रस्ट या स्मट कॉज करेंगे, ये दोनों एक तरह की डिसीज़ हो सकती है। ठीक, तो ये रस्ट या स्मट कॉज करते हैं अगर ये पैरासाइट होंगे तो। फिर आते हैं माइसीलियम पे, माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट, बहुत ही इजी याद रखना। फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल स्पोर्ट्स चाहिए, लेकिन इसमें एसेक्सुअल स्पोर्ट्स जनरली एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं हैं। ठीक, और जो सेक्स ऑर्गन होता है वो भी नहीं है, तो लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, मतलब सेक्स ऑर्गन नहीं है फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाउएवर टू सोमैटिक सेल्स, दो सोमैटिक सेल यानी सोमैटिक सेल्स उन सेल को कहते हैं जो रिप्रोडक्शन करने के लिए जनरली नहीं बनी होती हैं। टू सोमैटिक सेल्स विथ डिफरेंट स्ट्रेंस फ्यूज, जो दो सोमैटिक सेल होती हैं डिफरेंट स्ट्रेन की, स्ट्रेन मतलब वैरायटी, जैसे आप कहते हैं कि ब्रीड होती है, जैसे गाय की दो ब्रीड मान लीजिए, एक जर्सी हो गई एक देसी हो गई, तो ये दोनों ब्रीड होती है, वैसे ही फंजाई में हम स्ट्रेन यूज़ करते हैं वर्ड। ठीक, तो दो सोमैटिक सेल्स होंगी वो डिफरेंट स्ट्रेन की जो होंगी वो फ्यूज कर देती हैं और डाइकैरियन बनता है यहाँ पे। ठीक, तो टू डिफरेंट स्ट्रेन्स फ्यूज एंड दे मेक डाइकैरियन, और ये डाइकैरियन जो होता है ये आगे चल के बेसिडियम बनाता है, बेसिडियम में फिर मियोसिस होगा और बेसिडियो स्पोर्ट्स बनेंगे। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये एक साइकिल आपको याद रखनी है, सेक्स ऑर्गन होते नहीं है लेकिन क्योंकि यहाँ पे सोमैटिक सेल फ्यूज करती हैं, डाइकैरियन बनाएंगी, डाइकैरियन से बेसिडियम बनेगा, बेसिडियम में मियोसिस होगा, मियोसिस से बेसिडियो स्पोर्ट्स बनेंगे। ठीक, फिर आगे चलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं इनकी बेसिडियम की, मतलब बेसिडियम जिस फ्रूटिंग बॉडीज में होता है उसको बेसिडियो कार्प कहते हैं, एस्की जहाँ पे होता था उसको एस्को कार्प कहते थे, वैसे ही बेसिडियम में होता है उसको बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। ठीक, अब एग्जांपल आपको याद रखने हैं, तीन एग्जांपल एनसर्टेन दिए हैं यहाँ पे। पहला अगेरिकस यानी मशरूम, अस्टिलेगो नाम से एक होता है, स्मट कॉज करता है। ठीक, और तीसरा है पक्सीनिया जो कि वीट रस्ट कॉज करता है, ये इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था इस चैप्टर के, पक्सीनिया जो होता है वो वीट रस्ट कॉज करता है। तो ये डिसीज के साथ आपको तीनों याद रखने हैं। फिर हम आ जाते हैं चौथे क्लास पे अपने, यानी ड्यूटरोमाइसीट पे। जो ड्यूटरोमाइसीट होता है इसको कॉमनली हम इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, इनको हम कॉमनली इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो आपको देखने को मिलेगी ही नहीं, सिर्फ ओनली एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेस हमें पता होती है और सेक्सुअल स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट। ठीक, और जब इनकी जब सेक्सुअल स्टेज मान लीजिए आगे चल के कभी पता लगी, साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि इसमें सेक्सुअल स्टेज भी है, तो उस हिसाब से दे आर मूव टू डिफरेंट क्लासेस आफ्टर सेक्सुअल फॉर्म इज नोन। जब सेक्सुअल इनकी स्टेज पता चल जाएगी तो ये अदर क्लास में यानी बेसिडियोमाइसिटीज में या फैकोमाइसिटीज में ये यहाँ से हटा के उस क्लास में रख दिए जाएंगे। ठीक, तो इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, याद रखिएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फंजाई हो और उसको हमने दो क्लासेस में रख दिया हो, एक तो हमने ड्यूटरोमाइसीट में रख दिया हो और दूसरा किसी और क्लास में। ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि मान लीजिए हमने अभी तक सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज देखी है और किसी साइंटिस्ट ने उसकी सेक्सुअल स्टेज भी देखी है, तो हमने क्या किया कि ए सेक्सुअल स्टेज देखी और सेक्सुअल स्टेज हमें लगा होती ही नहीं है, तो हमने इसको ड्यूटरोमाइसीट में रख दिया, और किसी और साइंटिस्ट ने इसकी सेक्सुअल स्टेज देखी है, अब सेक्सुअल स्टेज के हिसाब से उसने किसी और क्लास में डाल दिया इसको, यानी फाइकोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, एक ही फंजाई दो क्लासेज में चला गया।
तो एनसीईआरटी ये याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सेम ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इन टू डिफरेंट क्लासेज, या ड्यूट्रोमाइसिट में रख दिया गया और अदर किसी क्लास में भी दिया गया। तो ड्यूट्रोमाइसिट में अगर हम ए सेक्सुअल स्टेज देख के रखते हैं, सिर्फ ए सेक्सुअल सेक्सुअल वाली हमें दिखी ही नहीं, और किसी और साइंटिस्ट ने उनकी सेक्सुअल स्टेज देखी तो किसी और में रख दिया, ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, वेन सेक्सुअल स्टेज इज डिस्कवर्ड, जब ड्यूट्रोमाइसिट में हमने सेक्सुअल स्टेज अगर हमें मिलती है तो वो फंजाई इज ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिट्स या बेसिडियोमाइसिट। जनरली क्या होता है कि फंजाई एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में भेज दिया जाता है, फाइकोमाइसिटीज में बहुत ही कम रेयरली होता है कि वहाँ भेजा जाए। तो जनरली ड्यूट्रोमाइसिटीज में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज हमें पता चलती है तो हम उनको उठा के या एस्कोमाइसिटीज क्लास में रख देते हैं या बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में रख देते हैं, ठीक। अब इनमें रिप्रोडक्शन देखते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया से रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सेक्सुअल तो होगा नहीं, हमें वो स्टेज पता ही नहीं है, सिर्फ ए सेक्सुअल होगा और वो भी किससे, कोनिडिया से। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि कोनिडिया एक्सोजेनस होते हैं या एंडोजेनस, तो आप आसानी से बता लेंगे क्योंकि आपने शुरू में टेबल पढ़ी है, ठीक। तो ये चीज़ें हर बार लिख के नहीं दी जाएंगी, याद रखना होगा। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन देखते हैं, ये खाना कैसे देते हैं अपना। न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, या डीकम्पोजर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली डीकम्पोजर होते हैं, और दे हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल को रिसाइकल करने में ये हेल्प करते हैं। फिर एग्जांपल आपको तीन याद रखने हैं, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये तीन एग्जांपल याद करने हैं ड्यूट्रोमाइसिट में। तो बस ख़त्म ड्यूट्रोमाइसिटीज यहाँ पे, अब आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायराइड और प्रियॉन्स, इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं दी गई, यानी नो मेंशन ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर नहीं होता है, और इसी वजह से हमने इन्हें जगह भी नहीं दी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर होता है, अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो मतलब वो चीज़ लिविंग नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह भी नहीं दी, क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं। तो हमें चार पढ़ने हैं, वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स और लाइकेन भी है। तो पहला देखते हैं वायरस। वायरस आर नॉट इन क्लासिफिकेशन बिकॉज दे डोंट हैव सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं होता इनके पास, और नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, सही तरीके से इनको लिविंग हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जब तक अपने होस्ट के बाहर होते हैं, होस्ट मतलब जिसको इन्फेक्ट करते हैं ये, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो जिसको कोरोना वायरस हो गया वो इंसान होस्ट उस वायरस का, तो जब तक ये होस्ट से बाहर रहते हैं तब तक इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, देखने से एकदम मरे हुए लगते हैं, और जैसे ये होस्ट के अंदर आ जाते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी करते हैं, ठीक। तो दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनर्ट होता है, यानी पड़ा हुआ, कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी नहीं, और क्रिस्टलाइन होता है यानी क्रिस्टल का फॉर्म का होता है। अब वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार अगर इन्होंने किसी सेल पे इन्फेक्शन कर लिया, दे टेक ओवर मतलब कब्जा कर लेना, दे टेक ओवर मशीनरी टू रेप्लीकेट देम सेल, ये पूरी सेल का जो सिस्टम होता है अपना नया प्रोजेनी बनाते हैं और रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, और इससे क्या होता है कि होस्ट को मार भी डालते हैं, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो सारा ये ले लेंगे, तो जो सेल के पास न्यूट्रिशन रहेगा नहीं तो वो मर जाएगी, तो होस्ट सेल जो होती है वो मर जाती है। अब दे आर इनर्ट आउटसाइड होस्ट, यही मैंने अभी आपको बताया, इनर्ट आउटसाइड होस्ट, होस्ट के बाहर रहेंगे तो इनर्ट रहेंगे, यानी कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट मतलब ज़रूरी, अभी मैंने बताया था। तो सिंपल सी बात है, अगर सेल के अंदर रहेंगे तो जिंदा हैं, और नहीं रहेंगे, सेल से अलग कर दीजिए तो मर जाएंगे, तुरंत मरे हुए माने जाएंगे, ठीक। तो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। फिर
वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का जो मतलब होता है, ये जो वायरस टर्म है इसका मतलब वेनम होता है, जहर। पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला पदार्थ, ठीक। द टर्म वायरस, जो वायरस टर्म है, ये डिमिट्री इवानोव्स्की द्वारा दिया गया। आप डी इवानोव्स्की याद रखिएगा। और वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, वायरस और स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और ये कैसे पता चला? क्योंकि जब इनको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भेजा गया, ऐसा फिल्टर लगाया गया जिससे बैक्टीरिया आगे नहीं जा सकते, तो ये उसको भी क्रॉस कर गए। तो मतलब बैक्टीरिया छोटे होंगे इसीलिए तो क्रॉस कर गए, तो वायरस और स्मॉलर देन बैक्टीरिया। फिर एक साइंटिस्ट थे एम जे बेजरनिक, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि सोड वायरस आर इन्फेक्शियस। वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, यानी फैल जाते हैं, इनकी जो डिसीजेज होती हैं वो फैल जाती हैं। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस दिया, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, और साइंटिस्ट का नाम भी, कि ये सेंटेंस बेजर ने दिया था। जैसे एक और सेंटेंस है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला किसने दिया था, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। 1855 में सेल थ्योरी में दिया गया था, अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए, नहीं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो ये कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम जो है वो बेजरनिक ने दिया था, और इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये याद रखिएगा। फिर एक साइंटिस्ट और थे स्टैनली, उन्होंने दिखाया कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, यानी वायरस जो है उसके क्रिस्टल हम बना सकते हैं। और क्रिस्टल जो होते हैं उसमें जनरली प्रोटीन होता है, ज़्यादातर हमें प्रोटीन देखने को मिला, तो इसका मतलब वायरस में प्रोटीन होता है, ठीक। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या फिर डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों नहीं हो सकता, आरएनए और डीएनए, ठीक। तो नोट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नो वायरस है बोथ आरएनए और डीएनए, आरएनए प्लस डीएनए। तो ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके अंदर दोनों हो, आरएनए डीएनए, या फिर एक आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब जो आरएनए होता है उसका फुल फॉर्म जैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है डाइराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आरएनए या डीएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड है और प्लस प्रोटीन होता है, इसीलिए हम वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड के लिए और प्रोटीन, ठीक। तो वायरस इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोटीन एक न्यूक्लिक एसिड। अब जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, मतलब प्रोटीन जो होता है वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए या डीएनए उससे इन्फेक्शन होता है। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। दे हैव प्रोटीन कोट, प्रोटीन की एक कोट होती है इनके ऊपर जिसको कैप्सिड कहते हैं। जो कैप्सिड होती है ये छोटे छोटे एकदम पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे प्रोटीन से बनी होती है जिसको कैप्सोमेयर कहते हैं, ठीक। तो दे हैव सब यूनिट्स कैप्सोमेयर, और जो कैप्सोमेयर होते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है वो या फिर हेलिक्स की तरह होता है या फिर पॉलीहेड्रल की तरह होता है। हेलिक्स मतलब थोड़ा ये इस टाइप से हेलिक्स होता है, और पॉलीहेड्रल किसी भी शेप में, एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल या पॉलीगन जो होता है उसको हम पॉलीहेड्रल कह सकते हैं, ठीक। तो सब यूनिट जो होता है कैप्सोमर, इनका अरेंजमेंट हेलिक्स या पॉलीहेड्रल हो सकता है। अब जेनेटिक मटेरियल के बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा यहाँ पे आपको बताया है, उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, अगर कोई वायरस प्लांट पे इन्फेक्शन कर रहा है तो उसके पास जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, यानी एसएसआरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक ही स्ट्रैंड होगा, ठीक। और जो वायरस इन्फेक्ट एनिमल्स, ऐसा वायरस जो एनिमल्स पे अटैक करता है उसमें, या फिर आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है, यानी बैक्टीरियोफेज, ठीक, उसमें डीएनए होता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा अगर, क्योंकि कॉम्पिटिशन आप देंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर, ठीक। तो वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अगर एनिमल्स में तो सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अगर बैक्टीरिया में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और बैक्टीरिया वायरस, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फिर आगे चलते हैं।
कुछ डिसीज़ और कुछ सिम्टम्स हमें देखने हैं वायरस के। तो वायरस अगर किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो कुछ सिम्टम्स आपको सामने देखने को मिलेंगे, जैसे लीफ का रोल होना या कर्ल होना, लीफ मुड़ जाएगी या फिर रोल हो जाएगी, लीफ का येलो होना येलोइंग, या वीन क्लियरिंग। वीन क्लियरिंग मतलब होता है जैसे ये एक लीफ मान लीजिए आप, ये हो गई एक लीफ, तो आपने देखा होगा इसमें कई सारे इस टाइप से वो होते हैं वीन्स होते हैं इस टाइप से। तो ये जो वीन होते हैं ये अपना कलर फेड करते हैं, वाइट और येलो होने लगते हैं, तो इसको वीन क्लियरिंग कहते हैं। और ड्वार्फिंग यानी बौना रह जाना, या स्टंटेड ग्रोथ यानी कम ग्रोथ रह जाना, तो ड्वार्फिंग या स्टंटेड ग्रोथ। और मोज़ेक फॉर्मेशन टाइप का बन जाना, उसको मोज़ेक फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं कि किसी कोई प्लांट है उसमें वीन क्लियरिंग हो गई, तो क्या हो सकता है कि फंजाई इन्फेक्ट कर रहा है या बैक्टीरिया कर रहा है या वायरस कर रहा है, तो उसमें आपको वायरस टिक करना होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये सिम्टम्स जितने हैं ये वायरस के हैं, याद रखिएगा। अब कुछ डिसीज़ की बात कर लेते हैं वायरस द्वारा, जैसे हर्पिस, इन्फ्लुएंजा या एड्स, इतनी सारी डिसीज़ एनसीईआरटी दी हैं, दो तीन आप याद रखिएगा। तो ये सारी डिसीज़ वायरस से होती हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी है वो टी ओ डाइनर नाम के इंसान ने की, इंसान क्या साइंटिस्ट थे। दे आर स्मॉलर, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। और जिस समय टी ओ ने इसकी डिस्कवरी की उस समय ये एक डिसीज़ पढ़ रहे थे जिसका नाम है पोटेटिस ट्यूबर। आलू में ये डिसीज़ होती है वायरस की वजह से, तो उसी समय इन्होंने डिस्कवरी की थी वायरॉइड्स की। तो ये डिसीज़ का नाम याद रखिएगा कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स से होता है। अब इट इज़ फ्री आरएनए, जैसे अभी आपने पढ़ा वायरस, तो वायरस में क्या था कि आरएनए होता तो उसके साथ प्रोटीन भी था, यहाँ पे सिर्फ आरएनए है, कोई प्रोटीन की कोट नहीं है, नो प्रोटीन कोट एज दैट इन वायरस। वायरस की तरह कोई भी प्रोटीन की यहाँ कोट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात नीचे, आरएनए ऑफ वायराइड इज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, जो वायराइड का आरएनए होता है वो उसका मॉलिकुलर वेट कम होता है यानी हल्का होता है, ठीक। तो वायराइड बस इतना ही आपको याद रखना है वायराइड के बारे में। फिर हम प्रियॉन्स पढ़ेंगे। प्रियॉन्स हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन होता है, एबनॉर्मल तरीके से फोल्ड किया हो गया, मतलब कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है प्रोटीन के फोल्ड का, बहुत ही ख़राब तरीके से फोल्ड किया हुआ प्रोटीन होता है। दे ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज, जब इनका पता चला था तो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसीज थी उनके बारे में साइंटिस्ट पढ़ रहे थे, तब इनका पता चला था, और उनको फैलाने में, उन बीमारियों को फैलाने में ये इन्हीं का हाथ होता है मतलब। तो प्रियॉन्स ट्रांसमिट इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज, दे आर सिमिलर साइज टू वायरस, वायरस से के सिमिलर होते हैं साइज में। और दो डिसीज दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है आपको, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलेटोपैथी, एक ये याद रखनी है BSE। जो ये बोवाइन टर्म होता है ये हमेशा कैटल के लिए यूज होता है, ठीक। तो मैड काउ डिसीज इसको कहते हैं, मैड मतलब पागल हो जाना, तो मैड काउ डिसीज भी इसे कहते हैं। पहला BSE याद रखना है, दूसरा CR चेकअप डिसीज़ आपको याद रखना है। और ये जो CR चेकअप डिसीज़ है ये जैसे बोवाइन BSE होते हैं वैसे ही ये भी CR चेकअप डिसीज़ होती है CJD, ये ह्यूमंस में होती हैं। तो बस प्रियॉन्स के बारे में इतना, अब आगे चलते हैं। लाइकन, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, बस चैप्टर ख़त्म हो गया। लाइकन जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोसिस मतलब साथ में रहना, क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है मतलब दोनों को फ़ायदा है, दो आदमी साथ में रह रहे हैं दोनों को फ़ायदा होता है। तो अब देखते हैं फ़ायदा क्या होता है। जो फंजाई होता है उसको माइको बाइंड, जो अल्गी होता है उसको फाइको बाइंड कहते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक। तो फंजाई वाले कंपोनेंट को माइको बाइंड कहते हैं, अल्गी वाले कंपोनेंट को फाइको बाइंड कहते हैं। और जो फंजाई होता है इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है तो फूड नहीं बना सकता, तो जो अल्गी होता है ये इसको फूड देता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है,
एरो से इसको याद रखिएगा। तो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ठीक। और जो फंजाई होता है इसमें आपको पता है माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम में ये क्या कर सकता है कि एल्गी को शेल्टर देता है, ठीक। पहली चीज शेल्टर थोड़ा तो शेल्टर प्रोवाइड करता है यानी रहने की जगह, एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जो फंजाई है वो एल्गी के लिए पानी और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। तो ये फिगर आप अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही इजी है। तो और एल्गी जो होता है वो फूड देता है फंजाई को, तो दोनों का फ़ायदा हुआ है एक दूसरे के साथ रहने से, और इसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। आखिरी पॉइंट जो हमारे पास है, लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस जो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ठीक। तो ये हो गया लाइकेन हमारा। अब एनसीईआरटी ने दो टॉपिक और दिए हैं छोटे छोटे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया नाम से, लेकिन इसका पूरा एक चैप्टर है। किंगडम अगला चैप्टर जो है वो प्लांट पे है, किंगडम प्लांटी, और उसके बाद चौथा चैप्टर जो हमारे पास है वो किंगडम एनिमेलिया है। तो हम उसी में डायरेक्ट पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़। चैप्टर आपका ख़त्म होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक। थैंक्स।